वर्धामधा स्थित जॉइंट एक्शन कमेटी के कार्यालय में कोरोना कार्यकाल में बढ़िया काम करने वाले ग्रामीण और शहरी पत्रकारों का सम्मान किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद थे। जॉइंट एक्शन कमेटी की ओर से स्वर्गीय सुनील शेट्टी इनकी स्मृति में और कोरोना कार्यकाल में जिले के जिन पत्रकारों ने बिना अपने स्वास्थ्य की परवाह किए अपने दर्शकों के लिए प्रतिदिन कोरोना की खबरें प्रकाशित की थी, ऐसे जिले के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों का स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान किया गया। इस मौके पर जिले के सैकड़ों पत्रकार मौजूद थे। साथ ही इस मौके पर उपस्थित महानुभाव ने अपने विचार व्यक्त किए। मैं सभी का धन्यवाद करूंगा कि आज एक अप्रिशिएशन प्रोग्राम यहाँ पे लिया गया जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से, भाईचारा संगठना की तरफ से, और पाटिल जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को यहाँ पे आपने ऑर्गेनाइज किया। और सभी से मैं थोड़े देर पहले पत्रकार जी ने भी एक कुछ दो बातें कही थी, पत्रकारिता क्या है ना, मेरी संकल्पना में दो शब्दों में सभी को तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप सभी वरिष्ठों को पत्रकारिता क्या है और इन फ्यूचर पत्रकारिता किस ओर जाने वाली है। बस इंसान ये याद रखना चाहिए कि हम पत्रकारिता कर रहे हैं तो इसका मेन लक्ष्य क्या है। भले रास्ते कई अलग हो, अभी डिजिटल हो रहा है, मगर ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें देश का चौथा स्तंभ क्यों। क्षेत्र के अंदर अगर वरिष्ठ अपने संवाददाता इन विषय न्यूज के सुनील भाई शेट्टी जी थे, कोरोना काल के समय में अपनी संपूर्ण सेवा देते हुए उन्होंने अपने बलिदान दिए। उनके उपलक्ष में ज्वाइंट एक्शन कमेटी के तरफ से ये हमने श्रद्धांजलि रखी थी और पत्रकार भाइयों को सम्मान करने के लिए उनके ही माना गया। अच्छी भी खबर को पहुंचाने वाले हमारे देश की ये प्रेस मीडिया है। मान्यवरों के हाथों पत्रकारों का सम्मान किया गया। लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ मीडिया को कहा जाता है। कोरोना काल में पल पल की जानकारी और कोरोना की अपडेट देने का काम बखूबी के साथ शहर के पत्रकारों ने किया है। पत्रकारों को देश का आईना भी कहते हैं। इस बारे में आयोजकों ने जानकारी दी। दर्शकों नमस्कार, इस समय में इन विषय की टीम वाड़ी के उस परिक्षेत्र में है, वर्धामना के अंतर्गत आने वाले जॉइंट एक्शन कमेटी की उस सभागृह में है जहां पे स्वर्गीय सुनील शेट्टी इनके स्मृति में और कोरोना कार्यकाल में जिन ग्रामीण और शहरी चाहे मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो के तमाम ऐसे पत्रकारों ने जो अपना अच्छा कामकाज किया, अपना योगदान दिया है, ऐसे कोरोना वॉरियर्स का सम्मान इस समय में किया जा रहा है। इस समय में आप देख सकते कि ये तमाम महानुभाव यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने ये प्रोग्राम लिया है जॉइंट एक्शन कमेटी के। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये प्रोग्राम लेने का उनके पीछे का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले मिश्रा साहब ये बताएं कि जिस तरह से ये जो प्रोग्राम चल रहा है क्या कहना चाहोगे आप? आज जो यह प्रोग्राम लिया गया है तो हमारे स्वर्गीय सुनील शेट्टी जी जो इसमें अपने कोरोना महाकाल में उन्होंने सबसे बड़ी सेवा दी है, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से सभी खबरें तक सरकार तक पहुँचाते थे, काजवाड़ी वर्धामना के अंदर में क्या स्थिति क्या समस्याएँ गुजर रही हैं उस विषय में हम तो उनका सबसे बड़ा सम्मान के रूप में हमने पत्रकारिता का विषय लिया। और दूसरा शब्द हमारा ऐसा है कि मैं सभी पत्रकार भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ, सच के राह पे चले, सत्य के राह पे चले। सत्य कभी डगमगा नहीं सकता है, असत्य एक बार डगमगा सकता है, सत्य नहीं डगमगा सकता है। अगर सच हमारे साथ में है तो हिंदुस्तान की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को आगे जाने में रोक सकती है। बिल्कुल सही बात इन्होंने फरमाया। आप थे नरेंद्र मिश्रा जी जिन्होंने बखूबर बेबक के साथ बात करते हुए तमाम पहलुओं पर उन्होंने रोशनी डाला। अब हम सीधा रुख करने चाहेंगे प्रहलाद जी अग्रवाल साहब हमारे साथ में जो कि मीडिया के लोगों को काफ़ी तवज्जो देते हैं और ख़ासतौर पर जो ड्राइवर जो होते हैं उनका कामकाज अच्छा चले, उनका जीवन संवर्धन अच्छे तरीके से हो, इसलिए दिन रात जिनके लिए काम करते हैं। अग्रवाल साहब आप ये बताएं कि आप क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सबको अपने आप को भारतीय समझना चाहिए और भारतीय बन के हमको भारत के बारे में सोचना चाहिए कि भारत के हर बच्चे को, हर बुड्ढों को कैसे रखना है, उनको कैसे समझाना है, उनको बुज़ुर्ग है तो उससे कैसे काम लेना है, बच्चा है तो उसको आगे बढ़ने का कैसे तरीका सिखाना है। और मीडिया ही एक है और मीडिया में भी जो हमारे नए मीडिया वाले आ रहे हैं उनको हमको आगे करके, और मैं हर एक बच्चे को ये कहना चाहूँगा कि मैं जैसे बच्चों का दादा भी हूँ, पिता भी हूँ, मैं अगर कुछ गलत करता हूँ तो वो मेरे को रोकें कि भाई पिताजी ये मत कीजिए, बहुत हो गया, हमको राष्ट्र हित में, अपने हित में और सबके हित में सिर्फ अच्छा ही अच्छा करना है। जैसे मिश्रा जी ने कहा, सच जो बोलता है उसको किसी चीज़ की
कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सच अपने आप उजागर होता है। सच ही एक ऐसा है जिसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, बाकी सब के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। झूठ बोलना तो भी प्रयत्न करना पड़ता है। सच ही एक ऐसी चीज़ है, उस पर चल के हम अपने भारत को आगे ले जाएंगे, ऐसी मेरी इच्छा है। तो आप थे प्रहलाद अग्रवाल जी, जिन्होंने बात करते हुए कहा कि सबके कदम जो है आगे बढ़ना चाहिए, और हम यही चाहेंगे कि तमाम मीडिया के जो यहाँ पे जो सम्मान मूर्ति जो है जो पत्रकार है उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि हिमालय की है पुकार, बहादुरो बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, आगे सबसे हो चलो। कैमरा पर्सन मोनू खान के साथ संजय मीरे, NBC News नागपुर।